नमस्कार, बीएनएमयू संवाद में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय लालू नगर मधेपुरा के विभिन्न महाविद्यालयों में पॉक्सो एक्ट चैंपियन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में हम आप सबों को विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। बाल उत्पीड़न के मामलों को रोकने के लिए सरकार और अन्य हितधारकों के सहयोग से बच्चों को व्यक्तिगत सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और लैंगिक अपराधों आदि के बारे में अवगत कराना और इन अपराधों से संबंधित शिकायत एवं कानूनी प्रक्रिया के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना जरूरी है। इसी आलोक में स्वयंसेवी संस्था साक्षी द्वारा पॉक्सो एक्ट चैंपियन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। एनएसएस समन्वयक डॉक्टर अभय कुमार ने बताया कि इस कार्यक्रम में भागीदारी हेतु भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय अंतर्गत सभी महाविद्यालयों को पत्र प्रेषित किया गया है। जनसंपर्क पदाधिकारी डॉक्टर सुधांशु शेखर ने बताया कि ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय मधेपुरा में शीघ्र ही पॉक्सो एक्ट चैंपियन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में साक्षी के राकेश कुमार से प्रारंभिक बातचीत हुई है। डॉक्टर शेखर ने बताया कि पॉक्सो बाल यौन अपराध संरक्षण नियम का संक्षिप्त नाम है। यह बच्चों के हित और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए बनाया गया है। इसके अंतर्गत बच्चों को यौन अपराध, यौन उत्पीड़न तथा पोर्नोग्राफी से संरक्षण प्रदान किया जाता है। व्यक्तिगत सुरक्षा में बच्चों की शारीरिक सुरक्षा के साथ ही ऑनलाइन मंचों पर उनकी पहचान से संबंधित सुरक्षा के उपायों, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य को भी शामिल किया गया है। तो निश्चित रूप से यह एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। सभी बच्चों को उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देना और उनके प्रति होने वाले अपराधों से उन्हें सचेत करना अत्यंत ही आवश्यक है। अतः भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय अंतर्गत सभी महाविद्यालय के युवाओं से, छात्र छात्राओं से और विशेष रूप से ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय मधेपुरा के एनसीसी एवं एनएसएस के विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे पॉक्सो एक्ट चैंपियन कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लें। आप खुद भी बाल उत्पीड़न के मामलों को समझें और दूसरों को भी इसे समझाएं। बच्चों की सुरक्षा हम सबों की जिम्मेदारी है और बाल अपराधों को रोकना बेहद ज़रूरी है। बच्चे ही हमारे समाज एवं राष्ट्र के भविष्य हैं, उनकी सुरक्षा हम सबों का दायित्व है। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।